फाइनली लॉन्च हो चुका है विंग्स की तरफ से विंग्स फैंटम 850 ट्रू वायरलेस गेमिंग ईयरबड्स, और इस वीडियो में इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं, तो आप वीडियो को गाइस लास्ट तक देखना। और इसका लॉन्चिंग प्राइस 999 है, ठीक है। तो आप बॉक्स देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का है, पर्पल कलर का। यहाँ पे विंग्स की ब्रांडिंग है, यहाँ कुछ फीचर्स इन्होंने हाईलाइट कर रखे हैं और इस साइड भी कर रखे हैं, बैक साइड पे फीचर्स हाईलाइट करके। गाइस इस पे विंग्स सिंक ऐप सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है, जो कि कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। और ये लॉन्च होते हैं दो कलर में, ब्लैक और वाइट में, ठीक है। तो फटाफट से बॉक्स कर लेते हैं ओपन। ओपन करने पे कुछ इस तरीके का डिवाइस हमारा जो बाहर निकल के आता है, काफ़ी यूनिक सा है, थोड़ा बहुत हेक्सागन टाइप का शेप है इसका, और ये ब्लैक कलर की काफ़ी मैट फिनिश में आता है ये, ठीक है। यहाँ पीछे आपको टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ये बीच में इसकी लाइट है जो कि ग्रीन कलर में ग्लो होती है, ठीक है। तो बॉक्स इसको ओपन करते हैं। तो गाइस ये ओपन भी काफ़ी यूनिक टाइप का होता है, विंग्स की तरह ही ओपन होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का अंदर से इसकी लुक आप देख सकते हैं। तो बाकी और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा ईयर रबर ग्रिप देखने को मिलती है डिफरेंट साइज़ की, कुछ मैनुअल कार्ड, एक टाइप सी चार्जिंग केबल, एक वारंटी कार्ड, और कुछ विंग्स की तरफ से स्टिकर्स। एंड गाइस अब ईयरबड्स को निकालते हैं बाहर, और कुछ इस तरीके के ईयरबड्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विंग्स की तरफ से नीचे ब्रांडिंग है, यहाँ पे लाइट ग्लो हो रही है। तो गाइस अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको देखने को मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट, जो कि आते हैं 13 mm के ड्राइवर के साथ, जो कि काफ़ी एफिशिएंट है। क्वाड माइक्रोफोन्स का सपोर्ट मिलता है, और IPX5 रेटेड की वाटर एंड स्वीट रेजिस्टेंट प्रोटेक्शन मिलती है। टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट है, GPS सपोर्ट भी है, आप अपने ईयरबड्स को ट्रैक भी कर सकते हैं लास्ट टाइम आपने कहाँ पर यूज़ किया था। फुल टच कंट्रोल्स के साथ ही आते हैं। तो गाइस चलिए एक बार इसका म्यूज़िक टेस्ट कर लेते हैं। गाइस देख सकते हैं हमारे ये कनेक्ट हो चुके हैं ईयरबड्स, ठीक है। तो चलिए अब इसका म्यूज़िक टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। गाइस जैसे आप देख सकते हैं सॉन्ग प्ले हो चुका है, और आप इसके ईयरबड से वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं लेफ्ट वाले को एक बार टैप करता हूँ तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, जैसे मैं एक बार ऐसे टैप किया, गाइस देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन। और राइट साइड वाले ईयरबड पर आप सिंगल टैप करेंगे तो वॉल्यूम इसका अप होता रहेगा, ठीक है। और आप दोनों में से किसी पर भी अगर डबल टैप करते हैं तो म्यूज़िक आपका पॉज हो जाएगा, फिर डबल टैप करेंगे तो म्यूज़िक आपका प्ले हो जाएगा। जैसे गाइस अगर आपको नेक्स्ट प्ले सॉन्ग करना है, तो नेक्स्ट के लिए आपको राइट वाले ईयरबड्स पे 3 times प्रेस करना है, 1, 2, 3, तो आपका जो है नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। और आपको अगर प्रीवियस सॉन्ग पे आना है तो आपको लेफ्ट वाले ईयरबड्स पे फिर 3 times प्रेस करना है, ठीक है। इस तरीके से आप सॉन्ग को प्रीवियस और नेक्स्ट पे चेंज कर सकते हो। और गाइस अगर आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट या सीरी मोड को ओपन करना है, तो आपको लेफ्ट वाले ईयरबड्स पे 2 seconds के लिए होल्ड करके रखना कुछ इस तरीके से, और आपका जो है गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। और गाइस अगर आपको गेमिंग मोड में एंटर करना है, तो आपको इस वाले ईयरबड्स पे 2 seconds के लिए होल्ड करके रखना है राइट वाले पे, ठीक है। जैसे सुना देते हैं मैं आपको, तो ये आपका ईयरबड जो है गेमिंग मोड में एंटर हो चुका है। अगर गेमिंग मोड से एग्जिट होना है तो आपको 2 seconds के लिए अगेन होल्ड करेंगे और गेमिंग मोड से एग्जिट हो जाएगा। सो गाइस इसका साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है बाकी ईयरबड्स के कंपैरिजन में, और इसकी साउंड की जो लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको फुल वॉल्यूम पे आप शायद ही ना सुन पाओ, तो मैं तो इसको हाफ करके ही सुनता हूँ। तो गाइस बस यही था रिव्यू इस वीडियो में, छोटा सा इस ईयरबड्स का। अगर आपको पसंद आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके ऑनलाइन इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस बस यही छोटा सा रिव्यू था इस वीडियो में। सो होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।